मेरा नाम अब्दुल अजीम है। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि जो मैंने कैफियत दिखाई थी आपको अपनी गली की, सिचुएशन दिखाई थी और हालात दिखाए थे, देखिए आप खुद देखिए, ये सारी जगह नीचे धस रही है ये, और बुरा हाल हो हुआ है। मगर ईमानदारी से नाले का पानी वहाँ से मर रही है, खुद देख सकते हैं आप। जब यहाँ पे नाले बंद होते हैं बड़े भाई, 500-500 रुपये दे के, 700-700 रुपये दे के हमें अपनी जेब से काम करवाना पड़ रही है, नाले खुलवाने पड़ रहा है, कोई नहीं भेज रही है नाले खोलने वाले तक को। तो ये बता दो ईमानदारी से, अगर हमने अपनी परेशानी दिखाई है, सड़कें ये खंडर दिखाएंगे, ये देखो आप क्या कैफियत है आपके सामने है। मैं कुछ अपने पास से नहीं दिखा रही आपको, या मैं अपने घर का नहीं दिखा रही, मैं तो जहाँ की जिम्मेदारी नेताओं ने ली है मैं तो वही दिखा रही हूँ। मैं अपने पास से क्या अपनी फरमाइश कर रही हूँ। यहाँ से बुजुर्ग औरतें हैं और बच्चे गुजरते हैं, गिर रहे हैं, चोटें लग रही हैं, कौन है जिम्मेदार मुझे ये बता दीजिए। अब ईमानदारी से हमारे जो कलाम भाई हैं मोहल्ला नियारियान के, वो हमसे इन बातों को दिखाने के ऊपर इतने ख़तरनाक नाराज हुए, तो उन्होंने गंदा अल्फाज इख्तियार करा कि जिसकी गाड़ में दमे बनवा के दिखला दे। तो मुझे ये बता दो, आपस में नाइतफाकी रखना, मोहल्ले वालों को आपस में लड़वा के ये क्या साबित कर रहा है? क्योंकि ईमानदारी से भाई कलाम ऐसे हैं नहीं, वो हफीज़ साहब, आले इकबाल, शुएब इकबाल, राफिया माहिर, इनके साथ बैठते हैं, इनके साथ उठते हैं, वो भी कह के काम करवाते हैं। मगर अभी तक हमारे इलाके का काम एक हो रहा नहीं है। और सबसे मेन चीज़ कलाम भाई उस पर ये कह रहे हैं कि जिसकी गांड में दमो बनवा के दिखला दे। मेरे भाई मैं आपसे एक जवाब चाहता हूँ, अगर मैं अपने इलाके को सही करवाना चाहता हूँ तो क्या गलत कर रही हूँ? अगर मैं ये चाहता हूँ यहाँ से बुज़ुर्ग औरतें गुजरें, या बुज़ुर्ग हमारे गुजरें, या बच्चे गुजरें, गिरे नहीं, परेशान ना हो, तो मैं गलत चाहता हूँ? मैं कौन सी अपनी फरमाइश कर रही हूँ? जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली है मैं तो उस जिम्मेदारी को पूरा करने का वादा ले रही हूँ उनसे। और वादा क्या जिम्मेदारी है, पूरी करो मेरे भाई। अच्छा, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग ही कुछ करवाओगे तो होगा। अस्सलाम वालेकुम।